मतलब मार्बल होना ना, फेंक जा रहा हो वो लेके जाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग हैं डेविल जे डीजे यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोनों जीतू और मैं घूमने के लिए निकल आए हैं, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। मैंने बोल रहा था कि हाँ मैं रेगुलर ब्लॉग दूंगा, बट नहीं हो रहा है, मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं दे रहा हूँ और आसामिस में बोलूँगा ये बोला था, आसामिस में भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर कॉन्टेंट नहीं मिल रहा है मैं जहाँ पर रहता हूँ, तो इसी कारण से मैं इतना सारा ब्लॉग नहीं दे पाता हूँ। आज तो हम दोनों जा रहे हैं सपात के, मतलब जहाँ पर सपात की खेती होती है, सपात बागान में जा रहे हैं हम लोग। सपात बागान में जाके आप लोगों को मैं वीडियो दूंगा। आप तो साइकिल के पैडल मारा होना, ये जो चीज लेके रखा है वो थोड़ा सा भारी है। जिद्दू के फ्रेंड के पास, इसका एक फ्रेंड यहाँ पर रहता है, तो उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा प्लेस है, ये रहा स्पीड ब्रेकर। इतना मतलब कोई भी शोर शराबा नहीं, हम लोग आ गए हैं शोर। तो आप लोगों को मालूम है मैं इसका दोस्त के घर में आया हूँ, ठीक है। तो इसके दोस्त के घर में आया हूँ, यहाँ का वातावरण देखिए, बेम्बू है मतलब बांस, ठीक है। इससे से कुछ लोगों का घर बनता है, मतलब आसाम में तो इसी से ज़्यादातर घर बनता है। ये बोल रहा है दिखा दो, ठीक है। ये बेम्बू देखो, देखो बहुत सारे है, मतलब आप लोगों को तो मालूम होगा आसाम में ही ज़्यादा से ज़्यादा बेम्बू की आसाम में होती है, बांस की मतलब घर बनती है। ये देख सकते हो बना के, मतलब तोड़ दिया है ये वाला घर। मैं आप लोग को जीतू का फ्रेंड दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। जीतू का फ्रेंड यहाँ पर दो है, जीतू का फ्रेंड देख सकते हो, दो पिक जीतू का फ्रेंड है। सो रहा है जीतू, ये कॉल जीतू तुम्हारे माती से, जीतू तुमको बुला रहा है ये दोनों। तुम माती ऐसे यहाँ जिसके घर में आया हूँ वो ये है पांडे, हमारा प्यारा पांडे, प्यार का दोस्त। कहाँ पर आप? तो ये लेके जाएगा सफर पर, मतलब हमें मालूम है जहाँ पर हम जाते हैं, पर यहाँ पर कहाँ पर है वो हमको मालूम नहीं है। इसके घर में आए हैं, ये हमको दिखाएगा सपात बागान। तो पिक्चर क्वालिटी खतरनाक आ रहा है, वॉइस कैसे जा रही है मालूम नहीं है। लेके तो आया हूँ 700 रुपये खर्च करके आप लोगों को, ये इसमें मेरा घर जाएगा। तो ये लेके आया हो आप लोगों को अच्छी तरह से वॉइस देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो ये ज्ञान पे रहा है आप, जो हम लोग कुछ नहीं खिलाते इसको, ये वीडियो में जरूर जाएगा, हम कुछ नहीं खिलाते हैं। कौन बात खिलाए ले दो ना, हम तो नहीं खिलाते, ये जरूर जाएगा वीडियो में बेटा। पांडे ने कहा बाइक निकल लिया है, देख सकते हो आप जाएंगे कहाँ पर, सपात बागान और कैसले नाम दो, कोंडली, हाँ सपात बागान और कोंडली में जा रहे हैं। तो हम तीनों आगे हैं, देख सकते हो आप तो जा रहे हैं सपात बागान के तरफ। तो फिर आगे ये जो ले, ये जहाँ पर लेके जाएगा ये साहब जी, हम उधर ही जाएंगे और फिर, ठीक है, ये जहाँ पर लेके जाएगा। ये मुर्गे क्यों बह रहे हैं? ये भगवान का पास पहुंचने वाला है हम तो गाजी। जीतू चल रहा है। देखते तो हो ये है सपात बागान, तो हम इधर नहीं जा रहे, ये कहाँ पर सपात बागान दिखाने के लिए जाए, और हम उधर जाएंगे, ठीक है भाई। हाथ जा, ये बहुत हैवी ड्राइवर है। तो हम लोग ज़्यादातर आते हैं इधर, मतलब इधर ही आते हैं, लेकिन आज इस भाई ने शॉर्टकट दिखा दिया है जिससे हमारा गाड़ी का तेल थोड़ा कम पड़ेगा।
देखा कितना बड़ा है, इधर बाइक से गिर गया ना, मर गया सीधा, राम राम सकते है अभी तक जिंदा है। बकरी जान पहाड़िया बकरी खाम रहा। तो हम लोग आ गए हैं पहाड़ में, इधर आने के सोच रहा था बट आसाने को हुआ पांडे के कारण। इतना बड़ा भाई देख सकते हो, ये प्लेस कितना शानदार है। तो ये देखो हमारा है, यहाँ पर पत्थर को काटा जा रहा है, ये देखो इधर पर पत्थर को काटा जा रहा है, इधर से पत्थर निकला जाता है। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर मैं जहाँ पर है उधर पर ही पत्थरों का मतलब जो सोता सोता बड़ा है ना, ये सोता सोता करने के लिए जो कंपनी मतलब बेसिन है वो हमारे यहाँ पर है। आप लोगों को मैं एक वीडियो में जरूर दूंगा, पहले ये देखो मतलब यहाँ पर पत्थर कैसे काटा जा रहा है। अभी काटा नहीं जा रहा है, पहले काटता था शायद। देखो कितना बड़ा खाई है भाई, मैं यहाँ हूँ और ये देखो कितना बड़ा पहाड़ को काट दिया गया है। उधर पहाड़ है, ऊपर जा रहे हैं, सफर दिखाने के लिए लेके आया था, सफर मतलब हो गया खत्म नहीं है, मतलब सब पेड़ में पत्तियां नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पहाड़ जहाँ पर मतलब हिलों को काटा जाता है उधर आ गए हैं। उस दिन पहले काट तो रहा था मतलब पत्थर को काट रहा था, अब नहीं काट रहा है। बहुत धूप है भाई लोग, यहाँ पर बहुत धूप है। तो जो पांडे के घर में था उधर ही अच्छा था, धूप मतलब साव था। यहाँ पर क्या हाथी मिल गया ना, 12 बज जाएगी मेरे में, आगे जाने वाला नहीं है। यहाँ पर हाथी बहुत आती है, आप लोग आता है, आप लोगों को मैंने दिखाया था वीडियो में, मेरा मुँह काला हो गया है। तो यहाँ पर हाथी आता है इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा, खुले में हूँ, दूर में देखूंगा हाथी आके, नहीं हाथी नहीं है। तो दिखा दिया, देखो ये है पूरा प्लेस, मतलब उधर सपत की खेती होती है, यहाँ पहाड़ है, मतलब पहाड़ों में ही सपत की खेती होती है जो। तो ब्रह्मपुर तो एम कर नी कौन ब्रह्मपुर ऊपर लेके जा रहा है ये, ठीक है तो जाएंगे। धूप लग रही है तो मैं यही उड़ रहता हूँ, गर्मी है फिर भी इसको लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं काला हो जाऊंगा, ऐसे ही काला हूँ। बनाने के लिए ये पत्थर लेना चाहिए इसने बोला है, ठीक है इसको जानकारी है। तो ये पत्थर देखो क्रिस्टल की तरह है देखने में, तो ये पत्थर लेना चाहिए। इस पत्थर से मतलब मार्बल बना ना, तो इस पत्थर से मार्बल भी बनाते हैं, मतलब क्रिस्टल की तरह देखने में होते हैं। देख लो पास से देख लो, ये तो मैं घर नहीं बना रहा, यहाँ पर फेंक जा रहा हूँ, वो लेके जाना। समाज के हम इधर से कूदेंगे दो कैमरा दो
देखो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो पत्थर को निकाला मतलब काटा जा रहा है पहाड़ों को काट के पत्थर निकालते हैं आप लोगों को मालूम है यहाँ पर होता है। ये देखो कितना बड़ा गद आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ एक चीज दिखाता हूँ ये देखो बिराना मछली ये बिराना मछली नहीं है यहाँ पर गाज रूपाली संधा है ये को मैंने आप मछली दिखा दिया है इधर मछली होने का उसमें जो मछली था ना यहाँ पर पानी भी नहीं है शायद बारिश हो रहा था कुछ दिन असम में तो उसमें ही शायद मछली आ गया होगा तो ये वही है शायद अब पानी हो गया था ना तब शायद मछली आ गया था बट अब तो पानी नहीं है इसलिए वो मछली मर गया। तो ये देखो पूरा मतलब पहाड़ को करके उधर रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं तो ये है पहाड़ तो यहाँ से ही हिल सिल लेके पत्थर को काट के ले जा रहा है उधर सपात जो मैंने आप लोगों को दिखाया था सपात का बागान अब वहाँ पर पत्तियाँ नहीं है तो इसी कारण से आप लोगों को सपात का कुछ भी मैं दे नहीं सका बट पांडे ने अच्छा चीज दिखा दिया यहाँ पर लेके आया गया पहाड़ में तो एक चीज दिखाता हूँ मैं पास नहीं जा सकता आप लोग वो देखो ना जो वो जो देख रहे हो चीज मतलब जिसमें दरार आ रहा है ना ये जो दरार आ रहा है वो नीचे गिर जाएगा मतलब क्रेक देख रहे हो वहाँ अगर आपने पैर रखा तो आप सीधे नीचे तो देख लेना इधर पहाड़ में आते हो तो क्रेक से निकाला हुआ है तो उसके पास मत जाना क्योंकि उससे वो चीज नीचे गिर सकती है। तो आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें बता दिया पहाड़ में अगर आप लोग इस तरह से उठ जाते हो मतलब ऊपर आते हो तो जो क्रेक है उसके पास बिल्कुल भी मत जाना नीचे गिर जाओगे भाई लोग संभाल के जिंदगी एक पल की है दोबारा नहीं मिलती है इसलिए पहाड़ से सब रास्ता गली गली रास्ता आप लोगों को ये दिखा दिया है मैंने पत्थरों को काटा जाता है कैसे काटा जाता है कौन सी वाली पत्थर घर बनने के लिए लेना चाहिए और मार्बल भी बनाते हैं वो पत्थर मैंने दिखा दिया है तो फिर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पांडे दिखाएगा तो ये देखो क्रिस्टल की तरह है जो और घर बनाने के लिए ये पत्थर सबसे बेस्ट है जो पांडे ने बोला है तो अगर आप लोग घर बना रहे हो न्यू तो ये वाला पत्थर यूज़ करना तो आप लोगों को बहुत मतलब फ़ायदेमंद होगा घर मजबूत होगा मुझे तो पांडे और कहीं पर लेके जा रहा है हमको तो मेरा मुंह शायद अंधेरा हो गया है मतलब काला हो गया है क्योंकि धूप पड़ रही है मेरे मुंह पे मैं इस तरह से लेता हूँ तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ फिर मैं जाऊँगा घर में घर जाऊँगा आज के लिए वीडियो इतना ही और 18 तारीख को आ रहा है महादेव तो उस टाइम आप लोगों को मैं दिखाऊँगा एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो आप अगर सचमुच में मेरे मतलब असम के बारे में और इस तरह से जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ठीक है बाय।